नमस्कार, जनटीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। हरियाणा विधानसभा चुनाव का रण प्रचार में जुटे उत्तराखंड के सीएम धामी, कलानौर, लाडवा और रोहतक में की जनसभाएं। उत्तराखंड में माइग्रेशन रोकने के लिए सरकार सजग, ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग का सुझाव, कहा वाइब्रेंट विलेज के चारों तरफ बनाएं क्लस्टर। हरिद्वार के जगजीतपुर में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार, इसी महीने एमबीबीएस की 100 सीटों के लिए दाखिले शुरू, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने किया निरीक्षण। उत्तराखंड में बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामले, पुलिस ने की लोगों से जागरूक रहने की अपील, वित्तीय साइबर अपराध होने पर 1930 पर करें संपर्क। और देहरादून के तुंगनाथ मंदिर में पानी का रिसाव, सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने सौंपी रिपोर्ट, सीबीआरआई रुड़की को दी जिम्मेदारी, ठीक करने का करेगी काम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा के दौरे पर रहे, आज उन्होंने दो जगहों पर चुनावी रैलियां की। सीएम धामी ने सबसे पहले कलानौर में हुंकार भरी, उसके बाद रोहतक में जनसभा में शिरकत की और भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे। जनता की जेब काटने के लिए 24 घंटे तैयार रहते थे, 108 की तरह उनका जहां भी मौका पड़ता था वो छोड़ते नहीं थे। भाइयों बहनों, नौकरी मांगने जाओ तो उस समय केवल उनको नौकरी मिलती थी जो पर्ची और खर्ची के सिस्टम में फिट बैठते थे। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नौकरी नहीं मिलती थी, जो पढ़ाई लिखाई करते थे। ये हो सकता है कुछ लोगों को जिनको नौकरी मिली हो वो जरूर उनके गीत गा सकते हैं, लेकिन हरियाणा के अधिकांश लोग आज भी उस शासन को कोसते हैं जहां पर केवल पर्ची और खर्ची का सिस्टम चलता था, युवाओं की योग्यता के साथ छलावा किया जाता था, भेदभाव किया जाता था, गरीब माता पिता के बेटे बेटी को नौकरी नहीं मिलती थी। भाइयों बहनों, ट्रांसफर और पोस्टिंग पर खुला करप्शन होता था, एक उद्योग के रूप में यहाँ काम होता था। हुड्डा सरकार जन कल्याण नहीं करती थी, हुड्डा सरकार जन कल्याण के बजाय दामाद कल्याण में जुटी रहती थी। दामाद जानते हैं ना, दिल्ली वालों के दामाद। उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है और यहां पर पलायन बहुत बड़ी तादाद में हुआ है, पहाड़ों से लोगों का पलायन लगातार जारी है। पलायन रोकने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं डॉ शरद सिंह नेगी, उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में पलायन की मुख्य वजह दूरस्थ गांव में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं का अभाव होना है। सरकार को पलायन रोकने के लिए बड़े बड़े स्तर पर लोगों को उनके घर पर ही रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली करनी होगी। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा सरकार को सुझाव दिया गया है कि वाइब्रेंट विलेज के चारों तरफ क्लस्टर बनाया जाए, साथ ही मनरेगा के अंतर्गत वहां रहने वाले लोगों को साल में 200 दिन का रोजगार दिया जाए। जगह लगभग एक सा ही है कि आजीविका का अभाव है, अच्छी शिक्षा का अभाव है और अच्छे स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, इस करके लोग छोड़ रहे हैं। और सीमांत क्षेत्र में तो थोड़ा सा दिक्कत ये भी है कि वहाँ एक इनर लाइन का सिस्टम होता है कि लोगों ने जब जाना है तो उसका एक परमिट लेना पड़ता है। अगर मान लो टूरिस्ट भी जा रहा है या हम लोग भी जाते हैं तो परमिट लेना पड़ता है, तो वो भी कई बार एक बाधा के रूप में आता है। हम लोगों ने सरकार को यही कहा है कि साहब, जो वाइब्रेंट विलेज स्कीम चल रहा है, आपने सुना होगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, उसके चारों तरफ क्लस्टर बनाया जाए। जैसे जोशीमठ को एक वाइब्रेंट विलेज माना है तो उसके चारों तरफ जितने गांव हैं है ना, उनको वाइब्रेंट विलेज के क्लस्टर में माना जाए, या जो मनरेगा पे जो दिहाड़ी है 100 दिन के जगह 200 दिन की दी जाए। इन चीज़ों से धीरे धीरे सुधरेगी। सर, लक्सर पुलिस ने ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन अभियान के तहत एसएसपी के निर्देश पर क्षेत्र में नशे के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाते हुए एक आरोपी को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी स्मैक तस्कर सैफ अली खान क्षेत्र के ही बहादुरपुर गांव का निवासी है। लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी निहारिका सेमवाल ने बताया कि आरोपी के कब्जे से 9 ग्राम स्मैक सहित एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान 2025 चल रहा है, इसी को सफल बनाने हेतु हरिद्वार पुलिस लगातार हमारे SSP सर के निर्देशन में कार्य कर रही है। इसी दौरान कल लक्सर में एक व्यक्ति को लगभग 9 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया है। ये बहादुरपुर खादर का रहने वाला है। निरंतर चेकिंग के दौरान इसे पकड़ा गया है तथा इसके विरुद्ध जो भी अब हमारी लीगल कार्रवाई है वो लग जा रही है। लक्सर तहसील सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें तहसीलदार और SDM ने जन समस्याओं को सुना। SDM गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि तहसील दिवस में 27 शिकायतें आई हैं। इन सभी शिकायतों का बिना जांच और निरीक्षण किए समाधान नहीं किया जा सकता। निरीक्षण और जांच करने के बाद ही मौके पर इन शिकायतों का समाधान कराया जाएगा। तहसील दिवस में टोटल 27 शिकायतें आई हैं और चूँकि निस्तारण की बात आपने की है, निस्तारण तो जो छोटी मोटी शिकायतें हम रोज ही करते हैं, लेकिन ये सारी शिकायतें ऐसी शिकायतें हैं जिसके लिए मौके पर जाना जरूरी है। चाहे जो वो जाँच हो चाहे वो पैमाइश हो, तो इसका निस्तारण तो मौके पर ही जाके ही संभव हो पाएगा जब टीम हमारी मौके पर जाएगी। अब मैं ये कहूँगा कि जो शिकायतें आई हैं इसका निस्तारण अभी इतने जल्दी मैं कहूँगा भी नहीं, और जब तक मौके पर जाके टीम हमारी जांच नहीं करेगी तब तक इसका निस्तारण संभव नहीं है। देखिए, मैक्सिमम जो शिकायतें हैं वो चक्रोड़ पे पैमाइश की शिकायतें हैं, चक्रोड़ पे अवैध अतिक्रमण की शिकायतें हैं, और कुछ इरिगेशन की शिकायतें हैं, कुछ नगर पालिका की शिकायत हैं कि जो CC इनका चल रहा है उसमें क्वालिटी वाला थोड़ा सा इशू ये बता रहे हैं कि क्वालिटी अच्छी नहीं, उसकी जाँच करवानी आवश्यक है। कलाकी की रानी पोखरी थाने का दून SSP अजय सिंह ने वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान SSP ने पुलिस के असलहा, मालखाना, रिपोर्ट रजिस्टर सहित कई चीजों की जांच की। SSP अजय सिंह ने बताया कि ये देखने के लिए कि बेसिक रिकॉर्ड को किस तरह से रखा गया है, वो अपडेट है या नहीं, साथ ही नए कानून के तहत कई रिकॉर्ड को रखने का प्रावधान है, इसी के तहत वार्षिक निरीक्षण किया गया। किया जा रहा रानी पोखरी थाने का, इसमें बेसिकली जो हमारा रहता है कि जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं वो किस तरह से रखे हैं, अद्यावधिक अपडेट है कि नहीं है, और नया वाला जब से कानून हमारा BNS और BNSS लागू हुआ है तब से तो इसे बहुत सारे ऐसे मैंडेटरी हमें रिकॉर्ड्स रखने जरूरी हैं जो थाने पर रखने चाहिए, तो उसको भी एक चेक करने का प्रावधान है कि उसको चेक कर लिया जाए। साथ ही साथ जो हमारा मालखाना है उसमें क्या कंडीशन है, जो आवासीय व्यवस्थाएँ हैं उनमें कोई दिक्कत तो नहीं है, और जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनको कोई ऐसी व्यक्तिगत समस्या या प्रोफेशनल दिक्कत तो नहीं, सभी चीज़ों के लिए एक निरीक्षण रखा जाता है जिससे अधिकारियों से 1-to-1 कर्मचारियों से 1-to-1 बात हो जाए। और चूंकि अभी ये निरीक्षण अभी चलेगा, इसमें सभी दस्तावेजों को चेक किया जाएगा, रजिस्टर्स को चेक किया जाएगा, माल को चेक किया जाएगा, और जो भी यहाँ पर हमारे पास सरकारी असलहे हों चाहिए है, क्या उनकी कोई कमी तो नहीं है, क्या आवश्यकता है, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ये निरीक्षण आज रखा गया है। त्यागी भूमिहर ब्राह्मण समाज समिति के पदाधिकारियों ने हरिद्वार के जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 को आरक्षण संबंधी दिए गए ऐतिहासिक निर्णय को जल्द से जल्द लागू करने की अपील की। समिति के सदस्यों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देश के समावेशी विकास और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समिति के सदस्यों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देश के समावेशी विकास और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनका कहना है कि यह निर्णय उन वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए जिन्हें आरक्षण का वास्तविक लाभ मिलना चाहिए। त्यागी ब्राह्मण भूमिहार सामाजिक संगठन के लोग आए थे, इनके द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में मुख्य रूप से जो माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है 1-8-2024 का, उसको शीघ्र लागू करने की मांग की गई है। मेरे द्वारा शीघ्र ये ज्ञापन उचित माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को प्रेषित कर दिया जाएगा। ये हमने जो ज्ञापन दिया है, ये आरक्षण संबंधित जो अभी वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमने माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजा है DM साहब के माध्यम से, कि जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का उसको जो है तुरंत जो है सरकार उसको लागू करे, क्योंकि अभी इस समय क्या स्थिति हो रखी है, ना तो सत्ता पक्ष इस विषय पे कोई संज्ञान ले रहा है, ना विपक्ष कोई संज्ञान ले रहा है, सरकारें तो ऐसी हो गई हैं बिल्कुल इस बात विषय पे आकर के कि बिल्कुल कोई जिक्र ही नहीं करना किसी ने, जिसमें कि ये जो वर्डिक्ट है और जो ये निर्णय है इसके अंदर जो एक क्रीमी लेयर वाला जो उन्होंने दिया है, तो क्रीमी लेयर वाले में वो इतना लाभकारी निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का,
वो हर जनमानस के लिए बहुत अच्छा निर्णय है वो, तो उसको हमारे गवर्नमेंट को हमने यही दिया है, राष्ट्रपति महोदय जी से हमने यही निवेदन किया है कि आदेशित करें सरकार को कि जिससे कि जल्दी से जल्दी इसको जो है निर्णय को इम्प्लीमेंट किया जा सके। रामनगर में सोमवार की रात पहले दिन स्थानीय कलाकारों द्वारा रंगमंच पर नारद मोह की लीला का सुंदर मंचन किया गया था। रामलीला का शुभारंभ पीरू मदारा पुलिस चौकी इंचार्ज सुनील धानिक ने करते हुए रामलीला कमेटी के कामों की प्रशंसा करते हुए अराजक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही और महिला सुरक्षा को लेकर हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिया। आपको बता दें कि श्री रामलीला अभिनय कमेटी पायते वाली रामलीला कोसी रोड के तत्वावधान में इस साल की रामलीला का मंचन स्थानीय कलाकारों द्वारा महानिदेशक राजीव अग्रवाल मोनू और निदेशक शिवी अग्रवाल के निर्देशन में किया जा रहा है। आज पायते वाली रामलीला का शुभारंभ हो गया है। श्री राम भगवान की बड़ी अनुकंपा है हम सभी धर्मप्रेमी जनता पर, रामनगर की जनता पर। और 12 अक्टूबर का दशहरा है और माननीय न्यायालय हाई कोर्ट के अनुमति से हमें जो है अनुमति मिल गई है, वहाँ पुतला दहन की एम्बेडर कॉलेज ग्राउंड में अनुमति मिल गई है। और दशहरे का पर्व रामनगर की सभी धर्मप्रेमी जनता वहीं एमपी इंटर कॉलेज के ग्राउंड में बड़े धूमधाम के साथ मनाएगी। लक्सर विकासखंड के बसेड़ी गांव में मनरेगा के तहत कराए जा रहे विकास कार्यों में जमकर धांधली की जा रही है, जिसकी शिकायतकर्ता पर लक्सर खंड विकास अधिकारी और सीडीओ से लेकर हरिद्वार जिलाधिकारी की जा चुकी है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लेकर शिकायतकर्ता ने खंड विकास कार्यालय में जमकर हंगामा किया। शिकायतकर्ता ने खंड कार्यालय में मौजूद खंड विकास अधिकारी के सामने ही अपने गांव में हो रही धांधली का भंडाफोड़ करते हुए ये कहा कि उनके गांव बसेड़ी खादर में ग्राम प्रधान फखरुद्दीन ने आज की तारीख में गांव के अंदर पाइपलाइन और सड़क का निर्माण कार्य कराया है, जबकि उनके गांव में धरातल पर कोई भी काम नहीं किया जा रहा। मैं पहले भी एक दो बार यहाँ शिकायत करके आया, सीडीओ मैडम के यहाँ शिकायत करके आया, डीएम साहब के यहाँ करा, बीडीओ साहब के यहाँ भी करा। हमारे गांव में जो मनरेगा उसका कतई धड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही है। और तो और इसमें हमारे गांव के जो आज की तारीख में फखरुद्दीन के नाम की एडी लग रही है, फखरुद्दीन हमारे गांव के प्रधान जी, वो आज के टाइम पानी पाइप बिछा रहे हैं, गाँव मजदूरी कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ इन्होंने पाइपलाइन पर आज मजदूरी दिखा रखी है वहाँ आज की तारीख में पानी भरा खड़ा। एक लिखा उन्होंने फलाने खेत तो वहाँ तक खेत तक जो भी है सब आईडी लिखा लगा रखी है। कोई हमारे गांव में आज की तारीख में काम नहीं चल रहा। एक दो तीन ने सड़क पर काम दिखाया आज तारीख में, हमारे गांव में कोई सड़क पर काम नहीं चल रहा, जीरो होकर हमारे गांव में कोई काम नहीं चल रहा आज तारीख में। और 177 की मजदूरी आज निकाल रखी फिलहाल मजदूरी फिलहाल इन्होंने आज नहीं भरी। और अंदर बैठा जिसने आज भरी वो ये कह रहा है मुझे पता ही नहीं, वो तो कमरुद्दीन का एक चाचा का लड़का भरता है आज नहीं, मुझे पता नहीं। भाई तुमने आई डी क्यों दे रखी, उसको जिम्मेदार तुम हो, तुमने आई डी कैसे दे रखी? अगर वो कमरुद्दीन का चाचा का लड़का आज वो भरा मेरी आई डी पर आज नहीं कदम मेरे यहाँ होगा। मैं आज नोटिस देने के लिए आया था, अभी हमारी किसान मोर्चा का धरना प्रदर्शन चल रहा है ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रोड की, जितने वहाँ समापन हो जाए मीटर को लेकर ज्वाइंट चल रहा है, जितने वहाँ समापन हो जाए मैं तुरंत यहाँ पर हंगामा करूँगा, हड़ताल करूँगा, भूख हड़ताल बैठूंगा और जो फिर सीडियो मैडम के यहाँ डीएम साहब के यहाँ भी जाएगा भूख हड़ताल। संदीप जी की शिकायत लगभग 15-20 दिन पहले प्राप्त हुई थी, उसमें कमेटी गठित कर दी गई है, उसमें जेई आरएस के जेई है, एबीडीओ साहब है, एडीओ पंचायत है और एडीओ समाज कल्याण है, तो उसमें प्राप्त हुई थी। आज भी उनके द्वारा एक सबूत पेश किया गया कि गांव में एनएमएस नहीं हो रहा है, जो बहुत खेदजनक विषय है। मैंने तुरंत संज्ञान लिया, जिसे मैं संज्ञान में आया मैंने वहां के एनएमएस बंद करवा दी और कल इसको हम जांच मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे, जो खिलाफ जिसे खिलाफ पाया जाएगा दंडात्मक कार्रवाई। ज्योतिर्मठ नगर के पशुपालन विभाग में डॉक्टर चार्ज में होने के चलते ग्रामीण इलाकों में पशुपालक काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इन दिनों कई ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों के दुधारू पशु बीमार चल रहे हैं, ऐसे में पशुपालन विभाग में डॉक्टर की कमी लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। ग्रामीण लगातार पशुपालन विभाग के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, काफी परेशान भी नजर आ रहे हैं। वहीं एक ओर सूखी भला गांव के प्रधान लक्ष्मण सिंह बुटोला का कहना है कि आए दिन कई ग्रामीण इलाकों में गुलदार के हमले पालतू जानवरों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। वहीं एक दूसरी तरफ गांव में दुधारू पशु भी बीमार चल रहे हैं, ऐसे में ज्योतिर्मठ जोशीमठ के पशुपालन विभाग में डॉक्टरों की कमी ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन चुकी है। मैं अभी जोशीमठ जो हमारे मुख्य स्वास्थ्य पशु विभाग है वहाँ खड़ा हूँ और इस प्रकार से यहाँ पे डॉक्टर की बहुत कमियाँ हैं और आज भी यहाँ पे डॉक्टर नहीं आ पाया है।
और ये पूरा क्षेत्र जोशीमठ के अंतर्गत आता है, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कि जोशीमठ में कोई अगर पशुओं के साथ कोई घटनाएं घट जाती हैं और कोई अनहोनी हो जाती है, तो परंतु उस अनहोनी के लिए यहाँ पर पशु विभाग में जो डॉक्टर रखे जाते हैं, और आज दुर्भाग्यपूर्ण मैं बात कहूँगा कि पूरे क्षेत्र में यहाँ पर डॉक्टर की कमी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मना रहा है, तो वहीं डोईवाला के माजरी ग्रांट रेशम माजरी निवासी एक वृद्ध ठाकुरदास को खेतों में काम करने से उनकी उम्र बाधा नहीं डाल पाती। एक युवा किसान की तरह 110 साल के ठाकुरदास खेतों में काम परंपरागत तरीके से करते हैं। हिमाचल प्रदेश से माजरी ग्रांट आए ठाकुरदास करीब 90 साल से यहां पर रहते हैं। जंगल तोड़कर उनके परिवार के लोगों ने खेती योग्य जमीन तैयार की और आज तक उसी पर खेती कर रहे हैं। खास बात यह है कि आज भी खेती के काम में उनकी उम्र बाधा नहीं बनती है। खेतों में फावड़ा चलाना हो या फिर साइकिल चलाकर कहीं पर जाना, शतकवीर ठाकुरदास इस काम को रोज की तरह करते हैं। हालांकि उनके परिजन सरकार की ओर से ठाकुरदास को उचित मदद नहीं मिलने से नाखुश दिखाई देते हैं। पूर्व जिला पंचायत सदस्य और संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक ताजेंद्र सिंह बताते हैं कि समाज और सरकार दोनों को ठाकुरदास जैसे वृद्ध लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। ठाकुरदास खेतों में काम करके युवा की तरह आज भी उन लोगों के लिए मिसाल बने हुए हैं। आज हम यहाँ माजरी गांठ में वार्ड नंबर 6 में आए हैं और जो बुजुर्ग किसान हैं ठाकुरदास जी, उनसे मिले हैं और आपने सामने देखा आज किस तरीके से वो खेती आज भी कर रहे हैं। खेती का आपने देखा फड़ुआ चलाते नजर आए हैं और उनकी जो स्वास्थ्य का राज है यही है कि वो खेती आज तक करते रहे और मेहनत करके उन्होंने की है और उसी का एक फल है। लेकिन एक हमें चिंता भी है और एक जो हमारी एक मांग है सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे बुजुर्गों को चिन्हित करके उनके देख रेख करनी चाहिए सरकार को, और कम से कम उसे क्या सुविधा सरकार दे, एकमात्र पेंशन 1500 रुपये देती है, 1500 की बहुत बड़ी चीज नहीं है ऐसे बुजुर्गों के लिए। बेसिकली जंगल तोड़िया झुंडे पट्टे खेती करी दादाजी हैं ठाकुरदास, जो भी खेतों में काम करते हैं और हल चलाते थे, जबकि ज़बरदस्ती हमने बैल बेच दिए और तब भी इन्होंने हल्ला करा कि उन्हें आपने बैल बेच दिए, ट्रैक्टर से खेती करोगे खर्चा होगा, तब तो इन्होंने बैल बड़ी मुश्किल से हमने बैल बेचे। अभी भी देखा होगा कि आप खेतों में काम कर रहे हैं, फड़ुआ चलाते हैं, पूरा काम करते हैं, अभी तंदुरुस्त है, कोई बीमारी नहीं है इनको, तब से हमें कोई सुविधा नहीं मिली भी इनको, खाली वही है जो 1500 रुपये इनकी पेंशन लाती सरकार की तरफ से, बाकी वैसे कोई इनको सुविधा नहीं है। 25 दिसंबर तक निकाय चुनाव कराए जाने की खबर के बाद रुड़की में सियासत के गलियारों में चुनावी हलचल शुरू हो गई है। आपको बता दें, रुड़की नगर निगम का वार्ड नंबर 35 हमेशा पूरे 5 साल चुनावी चर्चाओं में रहता है। अब तो वैसे ही चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, तो प्रत्याशियों में हलचल मचना भी लाजमी है। बहरहाल वार्ड नंबर 35 से ओवैसी की पार्टी AIMIM के चुनाव चिन्ह से पार्षद पद के प्रत्याशी को बुलाकर आज बंद रोड पर कसार समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में हाजी कमरू को फूलों की माला और पगड़ी पहनाकर अपना समर्थन दिया और कहा कि इस बार हम सभी तनमन धन से कमरू के साथ हैं। अपनी पार्टी के प्रत्याशी का जबरदस्त तरीके से समर्थन मिलता देख प्रदेश अध्यक्ष भी गदगद हो गए।
मुस्लिमीन के हाजी कमरुज़मा साहब, उनका स्वागत किया है वार्ड के तमाम लोगों ने और उनको अपनी भरपूर ताईद का कि हम आपकी ताईद में इंशाल्लाह चुनाव तक खड़े रहेंगे और चुनाव के बाद भी, पहले भी आपके साथ थे और चुनाव में भी आपके साथ रहेंगे और इंशाल्लाह चुनाव इलेक्शन जीतने के बाद भी हम आपके साथ रहेंगे। हरिद्वार के जगजीतपुर में बनकर तैयार हुआ मेडिकल कॉलेज इसी सत्र से शुरू कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद अक्टूबर के महीने से ही एमबीबीएस की 100 सीटों के लिए दाखिले शुरू कर दिए जाएंगे। आज हरिद्वार पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर अस्पताल प्रशासन से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि दाखिले के लिए मुहिम शुरू की जा रही है, अस्पताल के लिए टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति कर ली गई है, अगले 2-3 महीने में व्यवस्थाएं भी कर ली जाएंगी। मेडिकल कॉलेज के शुरू हो जाने से हरिद्वार और पड़ोसी जिलों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज जो है 3 अक्टूबर से यहाँ के 100 बच्चों के एडमिशन के लिए हम काउंसलिंग शुरू करेंगे और मुझे लगता है कि अक्टूबर में ही हमारे 100 बच्चों का यहाँ एडमिशन शुरू हो जाएगा। अब हरिद्वार ज़िले को एक बड़ी सौगात मिल गई कि यहाँ का मेडिकल कॉलेज इसी साल से शुरू हो जाएगा। आज मैं इसके निरीक्षण के लिए आया हूँ और लगभग 80% काम पूरा हो गया है। 58 हमने फैकल्टी भी यहाँ नियुक्त कर दी है। अब बच्चों के लिए हॉस्टल के लिए, यहाँ क्लासरूम के लिए, लाइब्रेरी के लिए सारी व्यवस्थाएँ जल्दी की जाएंगी। उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों में से एक तुंगनाथ मंदिर है जिसकी बेहद मान्यता है कि भक्त चार धाम यात्रा के दौरान दर्शन कर तुंगनाथ मंदिर भी आते हैं। तुंगनाथ मंदिर में इन दिनों पानी का रिसाव हो रहा है, इसके कारण मंदिर में काफी नुकसान भी हुआ है। इस समस्या को देखते हुए इसकी गंभीरता से जांच की जा रही है। पानी के रिसाव को रोकने के लिए कई एजेंसियों को इसमें लगाया गया है। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि इसके लिए सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों को पत्र लिखा था, जिसके बाद से वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। इस पर काम करने के लिए सीबीआरआई रुड़की को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो इसको ठीक करने का काम करेगी और इसके कारणों का पता लगाएगी। तुंगनाथ मंदिर विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिवालय है और उसका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व भी है। कुछ हमारे संज्ञान में आया था कि वहाँ पर जो सभा मंडप है उसमें जो उसकी स्लेट है छत की, वो थोड़ा ढीली हो रही है, उसके कारण पानी का लीकेज हो रहा है और उसके अलावा सभा मंडप के जो पत्थर हैं कुछ उनमें थोड़ा भूधसाव के कारण से उनमें डिस्टर्बेंस भी हो रहा है। तो गत वर्ष मैंने इसके लिए जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनके महानिदेशकों को पत्र लिखा था और उनको इसका अध्ययन करने के लिए कहा था। तो उनकी जो टीमें थी साइंटिस्टों के, उनके जो विशेषज्ञ थे वहाँ पर गए, अलग अलग टीमें उनकी गई थी और उन्होंने वहाँ पर विस्तृत रूप से अध्ययन किया। उसके पश्चात उन्होंने हमको अपनी रिपोर्ट दी है जिसमें उत्तराखंड में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साइबर ठग लोगों को कार्रवाई का डर दिखाकर निशाना बना रहे हैं। इसके तहत साइबर ठगी का नया तरीका डिजिटल अरेस्ट सामने आया है। इसमें ठगी करने वाला व्यक्ति खुद को पुलिस का अधिकारी बताकर पीड़ित व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर लाखों करोड़ों के लेन देन की बात बताकर डराने का काम कर रहे हैं। कुछ इसी तरह के मामलों में राजधानी देहरादून में एफआईआर की जा चुकी है। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फिलहाल साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है। डिजिटल अरेस्ट इस समय पूरे भारत में, ना सिर्फ उत्तराखंड में, पूरे भारत में एक बहुत ही उभरती हुई चुनौती है, जहां पर लगातार इसमें बड़े बड़े मामले आ रहे हैं जिसमें लोग 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, यहां तक कि हमने 3 करोड़ के भी मुकदमे पंजीकृत किए हैं जिसमें डिजिटल अरेस्ट की घटना हुई है। पीड़ित है, उसको पता ही नहीं है कि डिजिटल अरेस्ट जो है एक फेक पूरा स्कैम चल रहा है और जब वो सारे पैसे गंवा चुका है, सारे पैसे दे चुका है, तो एंड में वो संबंधित अपराधी कहते हैं कि ठीक है आप बैंक जाइए या आप किसी फ्रेंड के पास जाइए, वहाँ से लोन लीजिए। उस क्रम में जब किसी व्यक्ति की वहाँ पे किसी और व्यक्ति से बातचीत होगी तब पता चलता है ऐसे लोगों को कि आपके साथ एक फ्रॉड हो रहा है, एक स्कैम हो रहा है और जिस व्यक्ति को आप लगातार पैसे दे रहे हैं वो एक्चुअल में स्कैमस्टर है। तो ये पूरा जो प्रक्रिया, आप सभी दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। डिजिटल अरेस्ट एज सच लीगली कोई टर्म नहीं है और इस प्रकार का अगर कोई भी आपको डरा रहा है, झांसा दे रहा है, आपको प्रलोभन दे रहा है, कोई भी आपको मनोस्थिति खराब कर रहा है, जितनी जल्दी हो सके आप कंसर्निंग साइबर पुलिस स्टेशन जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में है या जो साइबर सेल्स हैं या जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहां पे अपनी शिकायत दर्ज कराएं और भारत सरकार का हेल्पलाइन नंबर 1930 वहां पे भी रिपोर्ट आप कर सकते हैं।
इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। We'll be right back.